हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ढाबा मटन बनाना सीखेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया है, इसमें हम तेल ऐड कर लेंगे, कुछ लहसुन की कलियाँ ऐड कर लेना है, इसमें कुछ प्याज जाएगा, थोड़ा सा अदरक जाएगा इसमें। इसको हमें प्याज सॉफ्ट होने तक पका लेना है। जैसे प्याज सॉफ्ट हो जाएगी हमारे, हम इसमें मिर्ची ऐड कर लेंगे। इसमें हम हल्दी पाउडर ऐड कर लेंगे, मिर्ची का पाउडर ऐड कर लेना है इसमें। इसको अच्छी तरह से मिलाकर 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको मिला लेंगे। और इसमें हम टमाटर, नमक और थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। और टमाटर को अच्छी तरह से, पूरी तरह से गला लेना है इसमें। थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया हमने, उसको पूरी तरह से गला कर इसका हम फाइन पेस्ट बना लेंगे। मिक्सर में डालकर इसमें थोड़ा पानी ऐड करके इसका फाइन पेस्ट बना लेंगे। यहाँ पे हमने एक कुकर ले लिया है, इसमें जाएगा तेल और घी। इसको हम अच्छी तरह से गर्म करने के बाद इसमें साबुत मसाले ऐड करके इसको सौते कर लेंगे। इसमें मटन जाएगा और इसको 10 मिनट के लिए हम भून लेंगे। अच्छी तरह से इसको भून लेना है। मटन का कलर अच्छी तरह से चेंज होना चाहिए, ब्राउन होना चाहिए इसमें। इसके बाद हम इसमें हल्दी पाउडर, रेड चिली पाउडर और नमक ऐड करके इसको फिर से 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे। इसको अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें हमारा पीसा हुआ मसाला ऐड कर लेंगे। मिक्सर में थोड़ा पानी ऐड करके वो भी इसमें डाल देंगे। इसमें धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, कस्तूरी मेथी पाउडर और तेगी मिर्च पाउडर डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिलाते रहेंगे जब तक ये पूरी तरह से सूख ना जाए। इसको पूरी तरह से सूखा लेना है और इसमें से तेल अलग हो जाएगा, आप देख सकते हो। इसमें पानी ऐड कर लेना है, गर्म पानी डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और इसको एक उबाल आने देना है। और इसका लिड बंद करके हम इसके 4 से 5 सीटियाँ ले लेंगे। ये 4 से 5 सीटियाँ हो गई है और ये पूरी तरह से पक चुका है। और अभी हम इसमें गरम मसाला ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा, आधा टीस्पून गरम मसाला और बारीक कटी हुई धनिया डालकर हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसको एक उबाल आने तक पका लेंगे। और ये बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की रेसिपी पसंद आ गई होगी। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।